मैंने स्टैंडिंग कमेटी में क्या कहा ये तो गोपनीय है और मैं उसको उजागर नहीं कर सकता, और जो भी इस चीज को उजागर करता है वो संवैधानिक परंपराओं का दोषी है। दूसरी जो बात आप कहे हैं देशद्रोही शब्द का प्रयोग आमिर खान के लिए, तो आमिर खान के लिए मैं देशद्रोही शब्द न कभी प्रयोग किया हूं न कभी कर सकता हूं। ये तो बिल्कुल ही गलत आरोप है और मेरी छवि को खराब करने की कोशिश है। अगर किसी बड़े अखबार ने इसको लिखा है तो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना ये न्यूज है। आपने नहीं कहा किसी भी तरह का ऐसा शब्द इस्तेमाल बिल्कुल नहीं, किया मैं बोल ही नहीं सकता, ये शब्द नहीं प्रयोग कर सकता आमिर खान के लिए। क्या अखबार के खिलाफ या उस पत्रकार के खिलाफ आप कुछ? अब निश्चित रूप से अगर किसी अखबार ने इस प्रकार का न्यूज छापा है तो उस पर तो मुझे नोटिस देना ही पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा तुरंत इस पे वो माफी मांगे, ये शब्द मैं कह ही नहीं सकता उनके लिए। अच्छा, आपने क्या आप इस बात के समर्थन में हैं कि आमिर खान को जो हटाया गया वो बिल्कुल ठीक हटाया गया, क्योंकि इनक्रेडिबल अतुल्य भारत, एक तरफ अतुल्य भारत कहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि असहिष्णु है? नहीं देखिए, ये तो अलग बात हो गई ना कि उस पर्टिकुलर डिसीजन आए तो पहले कि वो हटा दिए गए हैं या उनका कॉन्ट्रैक्ट किससे था या फिर कौन आ रहा है, ये तो बाद की बात है। लेकिन मनोज तिवारी के हवाले से कहना कि उनको देशद्रोही कहा, ये तो सीधा सीधा मुझे मेरी छवि खराब करने की कोशिश है। मैं एक पढ़ा लिखा शहरी हूं, मैं कभी भी एक सभ्य नागरिक हूं, मैं ऐसे शब्द का प्रयोग